हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वफन्स नूडल प्रॉब्लम। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है वफन्स नीडल प्रॉब्लम पर। दोनों ही क्वेश्चंस सुनने में एक जैसे लगते हैं और दिखने में भी थोड़ा थोड़ा एक जैसे लगते हैं, बट ये दोनों काफ़ी अलग हैं। मान लीजिए एक फर्श पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बनी हुई हैं और हर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस एल है। एक हमें नूडल आप सबने खाया होगा, तो वही नूडल हमको इस फर्श पर गिराना है। इस नूडल की लेंथ है टी। तो गिरने के बाद हो सकता है कि कोई नूडल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी लाइन से, कोई नूडल दो बार इंटरसेक्ट कर सकता है किसी लाइन से, और कोई कोई नूडल हो सकता है कि किसी लाइन से भी इंटरसेक्ट ना करे। तो हमें पता करना है कि प्रोबेबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस जो होंगे वो कितने होंगे। अगर आपको नहीं पता प्रोबेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है या प्रोबेबल इवेंट क्या होता है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बफन्स नीडल प्रॉब्लम को भी इस प्रॉब्लम की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है, ये भी इस वीडियो के लास्ट में बताया गया है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि प्रॉबेबल इवेंट या फिर एक्सपेक्टेड इवेंट भी कहते हैं इसको, ये क्या होता है। ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी, उसको बहुत बार आपने देखा है अलग अलग तरह से होते हुए, उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या होने वाला है। तो वो जो इवेंट होता है, जो आइडिया लग जाता है, वो होता है प्रोबेबल इवेंट। जैसे कि अगर आपने कोई पासा फेंका, तो उस पर जो प्रोबेबल नंबर जो आ सकता है वो होता है 3.5। अब ये कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ, 3.5 तो पासे पर होता ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया प्रोबेबल इवेंट भाई, इसकी तो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, देखिए वीडियो देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फेंका पासा आ गया 6, वैसे मुश्किल होता है 6 आना, तो खैर कोई बात नहीं, गोटी खुल गई। ओ माय गॉड, 2 6 आ गए, 2 6 काफ़ी बढ़िया बात है, लो चांस गोल हो गई, 3 6 आ गए। खैर ये तो बातें हो गई। मान लीजिए ऐसे पासे फेंके गए काफ़ी सारे, और ये जितने भी उस पर जो जो नंबर्स आए उसका वो सब यहाँ पर बनाकर दिखा दिया गया है। अब इन सब का हम एवरेज लेंगे, ठीक है। एक आया है 6 बार, 2 आया है 7 बार, 3 आया है 7 बार, 4 आया 7 बार, 5 आया है 6 बार, और 6 आया है 6 बार। तो टोटल हमने पासे फेंके हैं 39, और ये जो टोटल नंबर जो भी जोड़ के आएगा ये आएगा 135। अब एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया। आंसर आया हमारा 3.46। लेकिन एक मिनट, अभी तो 3.5 की बात हुई थी, ये 3.46 कहाँ से आ गया। तो एक्चुअल में 3.5 इस वजह से नहीं आया क्योंकि पासे हमने कम फेंके हैं, 39 फेंके हैं सिर्फ। अगर यही हम इनफाइनाइट फेंकेंगे, जब इनफाइनाइट पासे फेंक देंगे, तो उस उनका सभी का एवरेज लेने पर 3.5 ही आएगा। अब आप सोच रहे हो कि अगर ये डिवाइड में इनफाइनाइट आ गया तो नंबर 0 आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइड में इनफाइनाइट आ रहा है तो देखिए न्यूमरेटर में भी इनफाइनाइट ही आ रहा है, क्योंकि F1 F2 ये सब एक तरह से सभी बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, एक तरह से सभी इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है ये। तो ये 0 नहीं होगा, ये इनफाइनाइट भी नहीं होगा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी। तो देखिए X1 जो है वो F1 बार आया है, ज़रूरी नहीं पास है, कोई भी इवेंट हो सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो X1 इवेंट हुआ वो हुआ F1 बार, और टोटल इवेंट कितने हुए, सिग्मा एफ। तो F1 अपॉन सिग्मा एफ क्या हो गया, F1 हो गया X1 के लिए फेवरेबल आउटकम्स, और सिग्मा एफ क्या हो गया, टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स। तो F1 अपॉन सिग्मा एफ क्या हो गया, ये हो गई प्रोबेबिलिटी, X1 के होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह F2 अपॉन सिग्मा एफ क्या हो गया, X2 के होने की प्रोबेबिलिटी। F3 अपॉन सिग्मा एफ हो गया X3 के होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबल वैल्यू का जो फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबल वैल्यू या इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला बना X1 मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस X2 मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस X3 मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से जितने भी इवेंट होंगे सभी की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबल वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, अगर वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर कमेंट्स पढ़ रहे होंगे आप इतनी देर से तो नहीं समझ में आया होगा, कमेंट्स करते नहीं आप लोग, पढ़ते हैं केवल, कोई बात नहीं। तो अब मानिए ये एक नीडल है, नीडल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, नूडल की नहीं। मान लीजिए नीडल गिराया और ये 43 बार इंटरसेक्ट कर गई 200 अटेम्प्ट्स में, 200 बार फेंका, इसमें से कुछ बार इंटरसेक्ट करी कुछ बार नहीं करी, तो जितने बार करी वो है 43। अब अगर हम दो नीडल एक साथ फेंक रहे हैं
एक साथ फेंका हो, कितनी बार फेंका? 200 बार। तो क्या लगता है आपको कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, दोनों मिला के टोटल कितने इंटरसेक्शन होंगे? बिल्कुल सही, 86 बार। क्योंकि अब हाँ जस्ट डबल हो जाना चाहिए चीज़, एक निडल फेंक रहे हैं तो 83 43 बार कर रही है, तो दो निडल फेंकेंगे तो 86 बार करेगी, 86 टाइम्स। ओके, अगर ये जुड़ी होती निडल्स, जुड़ी होती तब भी 86 टाइम्स करती, अलग अलग तो अगर मानिए हम आधे को देखते ही ना, सिर्फ आधे को देख रहे हैं तो आधा ही 43 बार तो करेगा ही ना, और उस तरफ वाले को नहीं देख रहे, इस तरफ वाले को केवल देख रहे हैं तो ये भी 43 बार करेगा, तो टोटल कितना आ रहा है? 86। ठीक है, हो सकता है जैसे कैसे आ रहा है 86, हो सकता है एक ही बार करें दोनों मिलके, दोनों में से कोई एक करे, या फिर दोनों हिस्से कर सकते हैं, या फिर अगर काफ़ी बड़ी है तो 3 बार भी कर सकती है 3 लाइन से, या हो सकता है एक भी बार ना करे, तो इस तरह से 86 तो आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई छोटी सी नीडल है जिसको हम लोग एम एम बार फेंक रहे हैं, तो एन बार वो इंटरसेक्ट कर रही है, एम बार फेंकने पर एन इंटरसेक्शंस हो रहे हैं। अभी छोटी छोटी नीडल को हमने दो चार जोड़ दिया, ए नीडल्स मान लीजिए जोड़ दी, ए कोई नंबर है, इतनी नीडल्स ली और एक साथ जोड़ दिया, अब ये लगभग लगभग देखिए नूडल बन रहा है, तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? एन ए टाइम्स। जैसे कि पिछली बार 2 लिया था तो 43 × 2 हो गया था, इस बार ए लिया है तो एन मल्टीप्लाई बाई ए हो गया। इसी नीडल की जगह हम लोग अगर नूडल भी ले लें जो कि पिछले वाले नीडल से ए टाइम्स बड़ा हो, मतलब इसकी भी लेंथ अगर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो पिछले वाली लेंथ के ए टाइम्स हो, तो भी इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होंगे? एन ए। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग फॉर्मूले में लिखना चाहें तो अगर पहले वाले नूडल के या फिर नीडल के, एक ही बात पड़ रही है। अब देखिए नूडल से हमने हम लोग नीडल से जो है नूडल पर आ गए हैं, तो अगर पहले वाले नूडल के प्रोबेबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ई टी हैं, यहाँ पर ये ई और टी मल्टीप्लाई में नहीं है, आप एक फंक्शन की तरह समझ सकते हैं इसको, ई टी है, तो ए टी लेंथ के नीडल के प्रोबेबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हो जाएंगे? ए मल्टीप्लाई बाई ई टी। ठीक है, मतलब पहले वाले नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस में ए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस तो एक फॉर्मूला बन गया, एक हम बस ए को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने नूडल की शेप का लिया इस बार, यहाँ पे लोग ट्रिक लगा रहे हैं, एक नूडल की शेप का लिया, रिंग शेप का लिया, नूडल क्या ले लिया? क्रैक्स ले लिया। ठीक है, ये वीडियो क्रैक्स ने स्पॉन्सर नहीं किया है, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया है, ये मत सोचिएगा प्रमोट पेड प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी लेंथ क्या, ये कितना हमने लिया कि ये ऊपर भी टच करे और नीचे भी टच करे ये रिंग। ठीक है, इसका डायमीटर क्या हो गया? एल हो गया। तो लेंथ ऑफ नूडल, इसकी लेंथ क्या होगी नूडल की? पाई एल इसकी लेंथ होगी, 2 पाई आर से आप लगाते हैं तो 2 पाई आर से लगा लीजिए, 2r = l आ जाएगा, लेंथ ऑफ नूडल हो गई पाई एल। ये नूडल हमने फेंकना शुरू किया, ठीक है, चाहे जितनी बार भी फेंके ये जब भी गिरेगा तो ये 2 ही बार इंटरसेक्ट करेगा, अगर दोनों लाइन की बिल्कुल सटीक बीच में गिर रहा है तो एक एक इंटरसेक्शन हो जाएंगे दोनों से, और अगर थोड़ा नीचे ऊपर गिर रहा है तो 2 इंटरसेक्शन एक ही लाइन पर हो जाएंगे। देखिए तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या प्रोबेबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि 2 चाहे जितनी बार लिखा हो उसका अगर हम एवरेज ले लेंगे सबका तो वो 2 ही आएगा, तो ये ई पाई एल हो गया 2। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है टी लेंथ के नूडल का। ठीक, तो टी इसी में अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अब एक टी को अंदर छोड़ दीजिए और बाकी सब कुछ कॉमन ले लीजिए बाहर, जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था अभी। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वर्क कर रहा है, ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये हर क्वेश्चन पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये हमने कॉमन ले लिया, एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ई टी इज इक्वल टू 2t/πl, मतलब टी लेंथ का अगर हम नूडल गिरा रहे हैं तो वो 2t/πl टाइम्स इंटरसेक्ट करने की उम्मीद है, मतलब प्रोबेबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2t/πl है। ये बफर्स नूडल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब इसकी हेल्प से बफर्स नीडल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी ये। देखिए टी लेंथ की नूडल है, मान लीजिए छोटी नीडल लिया हमने, एल से छोटी नीडल लिया है, अब चूँकि छोटी नीडल लिया है तो इसकी ये क्या 2 बार इंटरसेक्ट कर सकती है? 2 इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तो ऊपर वाली लाइन से इंटरसेक्ट करेगी या तो नीचे वाली लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, तो 2 बार तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो अब देखिए ये 1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन प्लस 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन प्लस 3 × प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन, ये जो पूरा फॉर्मूला ये बन गया, ये हो गया प्रोबेबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस का फॉर्मूला। अब चूंकि 2 बार तो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं,
तो दो बार इंटरसेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि जो चीज़ होती नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो। ये सब हो गया ज़ीरो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक ही बार कहेगी और उसके होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2t/πl। अब अगर नीडल एल से ज़्यादा लेंथ की हो, ये आपको जानना है कैसे होगा, तो आप पिछली वीडियो देखिए, इसमें बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे और भी लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।